इस देश के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे रहते हैं जो कि आतंकवाद को अपना दामाद समझते हैं। नई डेवलपमेंट गिना है कोई? तो बात कर रहे हैं, नई डेवलपमेंट बताइए क्या? अब से पहले वहाँ ट्रेन चली, अब से पहले भारतीय तिरंगा वहाँ लहराया लाल चौक पे, अब से पहले चौथे से पहले, अरे क्या बात कर रहे हैं ये? कश्मीर के लोग चाहते हैं पहले अपना आर्टिकल 370 प्लस 35A वापस आए और हमारा यूटी जो बना है वो स्टेट वापस। अरे भाई आप अगर बोलेंगे आज को, आप बोलेंगे कि हमें कश्मीर अलग दे दीजिए भारत से लेके, अरे आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं, कश्मीर से कश्मीरियत से पूछिए। अरे कश्मीरी से क्यों पूछे भाई? क्यों नहीं पूछे? अरे भाई ये देश इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर इस देश का। आप कह रहे हो ना कि भारत कश्मीर जैसे पहले था वैसा चाहिए, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला दें? आप लोग खुद को भारत का ही हिस्सा मानते हैं? जी ऑब्वियसली हम भारत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन 370 अगर बात करें तो वो एक ऐसी धारा है जो ये परमिशन देती है कि कश्मीर के लोग अलग झंडा रखें, तो था ना पहले। तिरंगे का अपमान भी वो कर सकते हैं, तो अगर आप इंडियन खुद को प्राउडली बोलते हैं तो फिर आप इस धारा का समर्थन ही क्यों करेंगे? मदद मांगने हम नहीं गए थे, आपने जिसके साथ स्टेंसिल एग्रीमेंट साइन किया था उसने आपकी पीठ में छुरा भोंका, ठीक है, सही है ना? ये आपके दोस्त हैं, इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका, मैं आया आपका छुरा निकाल रहा हूँ, आपके प्लास्टर कर रहा हूँ आपके दवा, वो भी आपके कहने पे। कल को आप बोले यार मैं तो तेरे घर में रह सकता हूँ लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रह सकते भाई। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए मेरे साथ अभी दो लोग जुड़े हुए हैं, ये कश्मीर से हैं। कश्मीर में इन दिनों बड़ी हलचल है क्योंकि वहाँ चुनाव है। अब चुनाव को लेकर हम इनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ लोकल पार्टी में ज़्यादा दम है या फिर बीजेपी, जो लोग कह रहे हैं जैसे हमारे नेशनल मीडिया कह रही है कि बीजेपी में ज़्यादा दम है। आपका नाम क्या है? आबिद सर। क्या? आबिद। आबिद। आपका? साहिल। साहिल, आप लोग कश्मीर से? पांपोर से। पांपोर से? पांपोर, पांपोर सेफ्रन टाउन। क्या माहौल चल रहा है? बस अभी तो ठीक ही चल रहा है सर। लोकल पार्टियां ज्यादा स्ट्रांग हैं? हाँ लोकल पार्टियां ज्यादा, बीजेपी स्ट्रांग? नहीं नहीं, उनमें तो दम ही नहीं है किसी बात का। मुझे समझ नहीं आता वो किस मुंह से वहाँ पे वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि जो कश्मीर के पास था वो तो सब कुछ उन्होंने छीन लिया। स्पेशल स्टेटस था 35A था और स्टेट को यूटी बना दिया, तो समझ में आया वो किस तरह बोलेंगे लोगों को हमें वोट दे दो, क्योंकि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया उन्होंने। अच्छा, जैसा हम अभी का कश्मीर देखें तो उसमें कहते हैं कि दहशतगर्दी कम है जो 370 हटाया, और आधुनिक का ज़माना है तो वहाँ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, जैसे एम्स भी वहाँ बन रहा है, एयरपोर्ट वहाँ बन रहे हैं, तो ये चीज़ें छीनी है या दी है? नहीं, डेवलपमेंट तो उससे पहले भी हो रही थी, खूब सारी डेवलपमेंट हो रही थी। मुझे लगता है तब से लेकर अब अगर आप देखोगे इकोनॉमिक डाटा देखोगे पर कैपिटा इनकम कश्मीर की, वो 13 point something था बिफोर 2014 और अभी देखकर 99 point कुछ है समथिंग, मतलब वो इकोनॉमी जो है कश्मीर की वो घट रही है, बढ़ नहीं रही है सर। तो डेवलपमेंट उससे पहले भी हो रही थी, उससे पहले भी यूनिवर्सिटियाँ बनी, रोड्स बने, तो बहुत सारी डेवलपमेंट उससे पहले भी हुई। तो रहा सवाल दहशतगर्दी का, वहाँ पे दहशतगर्दी पहले से भी नहीं थी और अभी नहीं है, टूरिस्ट अभी आ रहे थे अभी आ रहे हैं सर। लेकिन टूरिस्ट खुद ये बात बोलते हैं कि पहले ज़्यादा दहशतगर्दी थी, जैसे पत्थरबाजी को लेकर भी बहुत चर्चा रहती है कि कश्मीर में इतनी पत्थरबाजी होती है, वो पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है। पत्थरबाजी होती थी, बिल्कुल बिल्कुल होती थी, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस थे, तब जाके लोग निकल पाते थे सड़क पे बात करने के लिए, तब निकल पाते थे। अब ऐसा माहौल नहीं है, अब जब जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है वो जब वो सेफ नहीं है तो लोकल बॉडीज तो कैसे सेफ रहेंगे सर? जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया तब पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम थी उनको भी सर इन्होंने बिहाइंड द बार्स कर लिया। नहीं, 370 के हटने से वहाँ के लोकल लोगों पे क्या असर पड़ा, वो कैसे असुरक्षित हुए? नहीं सुरक्षित, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसे हमें मतलब कि एक तरह से बहुत सारे मतलब हमारे सेंटिमेंट शॉर्ट हो गए आर्टिकल 370 से, क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस दिया गया था हमें और उसने। अच्छा, ये जैसा आपने बोला कि स्पेशलिटी स्टेटस दिया गया था लेकिन वो अस्थाई था, परमानेंटली नहीं था, वो संविधान में भी लिखा हुआ है क्योंकि 21वें भाग में वो लिखा हुआ है मेंशन, और 21 पूरा भाग जो है संविधान का वो अस्थाई है, इसलिए आप लोग कश्मीर के जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। इस बात पे आइए कि वो चाहे टेम्परेरी था या परमिट था, पहले बताइए वो स्पेशल स्टेटस था क्यों, वो किस लिए था? इसलिए था क्योंकि कश्मीर का विलय होना था भारत में, और उस वक्त उन लोगों की डिमांड थी, यानी कि राजा हरि सिंह जो वहाँ के मुखिया थे उनकी डिमांड थी कि हम इन शर्तों पर ही भारत में शामिल हो सकते हैं, तब वो डिमांडें मानी गई कि इस शर्त पे कि ये आने वाले वक्त में हटा दी जाएंगी। लेकिन आपको क्या लगता है इस टाइम हमें कश्मीर के लोगों को पूछना चाहिए या फिर हमें खुद ही हटाना चाहिए?
अच्छा, कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं हमारे चैनल? कश्मीर के लोग चाहते हैं पहले अपना आर्टिकल 370 प्लस 35 ए वापस आए और हमारा यूटी जो बना है वो स्टेट वापस। पत्थर खाए लोग नहीं, उससे पत्थर से कोई लेना देना नहीं, नहीं है 37A से, आर्टिकल 370 से। भाई सुनो, इन्वेस्टमेंट 1947 से लेकर 2019 जब ये आप सुन लीजिए मात्र 14,000 का इन्वेस्टमेंट आया था। अभी जब 370 आर्टिकल हट गया ना, 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, समझे? तो करा, अरे भाई करा रही है गवर्नमेंट, मतलब 370 हटने के बाद में करा रही है। पहले 193 सुनिए, 193 शोल्डर हर साल मरते थे, अभी 14 पे आ गई है सर। डाटा पता करिए, 1320 केसेस लॉज होते थे पत्थरबाजों के अगेंस्ट में, आज जीरो लॉज होती है। अरे मैं बोल रहा हूँ सर, ये नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, आप जाके चेक कर लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है ये। 2014 से आगे देखिए, 2014 से जो डाटा आता था उससे, वो भी देखिए सर। आप आर्टिकल 370 की बात मत कीजिए सर। क्यों नहीं बोले? अरे भाई आप अगर बोलेंगे, आज को आप बोलेंगे कि हमें कश्मीर अलग दे दीजिए भारत से लेके, अरे आप जिस हिसाब से बोल रहे, कश्मीर से कश्मीरियत से पूछिए। अरे कश्मीरी से क्यों पूछे भाई? क्यों नहीं पूछे? अरे भाई ये देश इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, इस देश का। आर्टिकल 370 क्यों था फिर? अरे भाई क्यों था, एक टाइम में उसका नीड था। देखिए सुनिए, एक टाइम में नीड था, जैसे बोला गया था कि रिजर्वेशन इस देश में 10 साल के लिए है, उसके बाद में देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उसको हटा नहीं पाई। मैं कंपैरिजन नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसका सवाल जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 370 आपको चाहिए क्यों? पहले तो मुझे आप दो रीजन बताइए। सर आर्टिकल 370 से हमें बहुत सारी सेफ्टी थी हमारे लिए। पहली बात तो हमारे जो जॉब्स थे वो सिक्योर थे, हमें दूसरों रेस्ट ऑफ इंडिया से कम्पीट नहीं करना था हमें स्पेशल। इसको अभी जॉब्स में क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर मुझे लगता है हर जगह वहाँ पे जो टेंडर्स निकलते हैं वो भी बाहर को दिया जाता है, बाहर लोगों को, चाहे जॉब हो आउट ऑफ स्टेट वहाँ पे। अगर मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं, आप लोग खुद को भारत का ही हिस्सा मानते हैं? जी ऑब्वियसली हम भारत का हिस्सा मानते हैं। लेकिन 370 अगर बात करें तो वो एक ऐसी धारा है जो ये परमिशन देती है कि कश्मीर के लोग अलग झंडा रखें, तो था ना पहले। तिरंगे का अपमान भी वो कर सकते हैं, तो अगर आप इंडियन खुद को प्राउडली बोलते हैं तो फिर आप इस धारा का समर्थन ही क्यों करेंगे? सर एक बात बताइए, जो अपना झंडा रखने के लिए बोलती हो, जो तिरंगे का अपमान करने की परमिशन देती हो, ऐसी धारा चाहिए क्यों कश्मीर? खुद ही पहले बताया कि ये प्रिंसली स्टेट थी ना सर, थी ना, तो किन वजूहात को लेकर हम इंडिया के साथ आ गए ये बताओ। पहले आपको हिस्ट्री जानी है ना, तवारीख जानी है ना, कि ये कश्मीर ये मुद्दा क्यों बना है, मसला है ना वही। प्रिंसली स्टेट जब थी, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बोला था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, आधे बोल रहे थे नहीं हम अलग ही रहेंगे, और वहाँ से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, कबाइल आ गए, तो बहुत सारी उथल पुथल हो गई उस टाइम। तो उस टाइम फिर इंडिया से मदद आई जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, है ना। क्या इंडिया गई थी कश्मीरियों को ये बोलने कि आप हमारे साथ मिल जाइए? ना ना, सही है ना, फैक्ट है ना। अगर बुरा मत मानिए आप, ठीक है, आप मुसीबत में हैं, आप मेरी मदद के लिए मांग रहे हैं, मैं पूछ लूँ आपसे आप कौन है, मैं आपकी क्यों मदद करूँ, तो आप इस पर नाराज होंगे? आप जिसे हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, आप किसी मुसीबत में फंस गए और बोले भाई मेरी मदद करो, मैं पूछूंगा ना भैया मैं क्यों करूं, आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे नहीं यार आप मेरे साथ गलत कर रहे हो, आपको तो मदद करनी चाहिए, आप बोलेंगे मुझे गलत नहीं बोल सकते ना भैया। आप मुसीबत में थे, इंडिया के साथ आपका एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट के तहत इंडिया की फौज गई, क्या क्या कबाइलियों ने, एक रुक जाए प्लीज, अरे रुक जाए, मदद मांगने हम नहीं गए थे, आपने जिसके साथ स्टेंसिल एग्रीमेंट साइन किया था उसने आपकी पीठ में छुरा भोंका, ठीक है, सही है ना, ये आपके दोस्त हैं, इन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका, मैं आया आपका छुरा निकाल रहा हूँ, आपके प्लास्टर कर रहा हूँ आपके दवा, वो भी आपके कहने पे। भैया अगर मैंने ये कह दिया कि चलो हम फ्रेंडशिप कर ले रहे हैं, आपकी अभी हालत ठीक नहीं है, जो बात ठीक हो जाएगी हम कर लेंगे आपस में, कल को आप बोले यार मैं तो तेरे घर में रह सकता हूँ लेकिन तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, भाई ये इनकी ये डिमांड नहीं, ये पाकिस्तान का समर्थन थोड़े ना कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 370 की वजह से, मेरी बात 370 भी मेरी बात है, अब आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तेरे घर में तो रहूंगा लेकिन तुम मेरे घर में नहीं आ सकते, ये कैसे हो सकता है भैया बताइए? जब पहले ही एग्रीमेंट बना था कुछ शर्तों पे लेके, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी ना। जब एग्रीमेंट बना था उसमें पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ था, उसमें ये लिखा था टेम्पररी, ठीक है, क्या लिखा था एक मिनट, उस पे लिखा था ये टेम्पररी आर्टिकल, ना ना अरे रुक जाइए सर प्लीज सुनो, ये 1952 में लगाया गया था,
ध्यान रखिएगा, घटना 1947 की है, ठीक है। जब जब आप घायल अवस्था में, आप ज्यादा पीछे नहीं जाते, आज की बात करते हैं क्योंकि वहां चुनाव है। आज का कश्मीरी अलग राज्य चाहता है, अलग स्पेशल राज्य का दर्जा चाहता है, भारत के साथ मिलकर रहना चाहता है। ये मेरा नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों का सवाल खटकता है मन में कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। जैसे पहले था ना सर, वैसा ही। मतलब अलग झंडा चाहिए आप लोगों को, अलग स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन क्यों? पहले से ही था ही सर, बाकी स्टेट के पास नहीं है, वो भी रियासतें थी पहले जो भारत में शामिल हुई, उनके पास कोई झंडा नहीं है, वो खुशी खुशी भारत में शामिल है, वो गर्व से बोलती है। शिमला के साथ स्पेशल स्टेटस है ना सर, नागालैंड में अलग झंडा है ना सर, तो वहाँ पे दिक्कत क्यों नहीं है? कहाँ है नागालैंड में झंडा? जो जो चीज कश्मीर को मिली वो किसी स्टेट को नहीं मिली थी, कुछ वजूहत को लेकर, कुछ कुछ रीजन है ना सर पहले। अगर रीजन नहीं होते फिर वही पे आगे मैंने आपसे बोला था कि ये टेम्पररी प्रोविजन है। तो परमिट किसने बनाया सर? एक मिनट, किसने बनाया? रुक जाइए, बताइए आप संविधान बताया सर। एक इनको रिवोक करना था आर्टिकल 370, तो क्या कैसे करना चाहिए था सर? पहले पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम लीडर्स है ना, उनको पहले ही बंद कर दिया, इंटरनेट शटडाउन, वहाँ पे 100 कंपनी और बुला दी। अगर आप लोगों का भला करना चाहते हो तो ये सब क्यों? इनका भी वही सवाल है और मेरा भी वही सवाल है। 370 के वजह से आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? स्टॉप इंडिया के लिए आर्टिकल 370 हटा रहे हैं, कश्मीरी पीपल के लिए? बताइए सर, क्वेश्चन मेरा पूरे इंडिया के लिए बताइए सर, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए। और कश्मीर का क्या? कश्मीर भारत का हिस्सा है, जैसे बाकी स्टेट खुशी खुशी जी रहे रह रहे हैं। अब कश्मीर का हिस्सा है या था? कश्मीर भारत का हिस्सा हमेशा से था। था किन वजूहत को लेकर बना? यही हो रहा हूँ, उस पर वापस आ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हर कोई जानता है, राजा हरीश सिंह उसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने शेख अब्दुल्ला इसको चाहते थे इंडिया के साथ, है ना यही बात? तो फिर कुछ एग्रीमेंट हो गए, उनको लेकर हम इंडिया के साथ चले गए, इसीलिए हमारा अलग झंडा। पहले हमारा अलग प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करता था, आपको ये पता होगा ना, होना चाहिए। उसके बाद क्या हो गया वो आपको भी पता है। अब प्रेजेंट की बात ये है कि जैसे कश्मीर था, तो वही चीज़ दोहराना चाह रहे ना कि 370 लागू, आप वही चाहते कि आपके प्राइम मिनिस्टर भी अलग हो? मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो कश्मीर अलग ही हो जाएगा ना भारत से। अरे नहीं यार, पहले की बात करते हैं, अगर ये पहले की बात करते हैं तो भाई साहब 1200 साल पहले है ना अफगानिस्तान के अंदर हिंदू राजा था। अब कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, बताओ अगर ये पहले की बात करते, पहले सिर्फ 50 साल पहले की क्यों बात करता हूँ मैं 1200 साल पहले की बात करता हूँ। अफगानिस्तान का हिंदू राजा था, हिंदू। कश्मीर की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान की तो क्या नाम आप जानते हो, ये तो अभी बना है, बताइए जवाब। पहले की, मैं उससे भी पहले की बात पे आ जाता हूँ, अब जवाब दो इसका। मैं उससे पहले भी बात करूंगा बताइए, तो फिर उससे पहले तो सिकंदर ने, सर अलेक्जेंडर सिकंदर ने किया था। अरे यार अब थोड़ी इन बातों में हमें कैसे छोड़ दें, आप तो पकड़ के बैठे हो। फिर अशोक के सम्राट का बात है। अच्छा आप अशोक शर्मा के लिए है? अरे भैया जब भैया आप इनसे ये पूछिए, भारत मतलब हमारे देश में इस्लाम कब आया था और कौन लेके आया था? आप इस्लाम वाले हैं, मैं आपका भाई हूँ, हमारे दोस्त जिगरी मेरा मित्र मोहम्मद सदाब कुरैशी है, और आज भी एक साथ रहते हैं, एक साथ रोटी खाते हैं, हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपने छेड़ी किसी और चीज़ को, मधुमक्खी में हाथ डाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी पूछूं। अभी आपने कहा ना कि कश्मीर को लेके, कश्मीर भारत से अलग नहीं हो सकता दोस्त, कश्मीर जान है अपना दोस्त। और ये मुझे बस इतना बता दो कि आप कह रहे हो ना कि भारत कश्मीर जैसे पहले था वैसा चाहिए, तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि कश्मीर को हम पाकिस्तान में मिला दें? कब था कश्मीर पाकिस्तान के पास? नहीं आप चाह रहे हैं ना, किस तरह मेरी बात में ऐसा है? नहीं इन्होंने ऐसा, ये पाकिस्तान के समर्थन है। मैं बताता हूँ क्या इनका कहने का थोड़ी है, आपने एक बात कही ना कि अभी भैया 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 ठीक है, फिल्म नहीं चल रही है सूट जी जी बोली बोली यार जी, मैं ये कह रहा, आपने ही खुद कहा कि आप एक अलग झंडा चाहते हो। मैं उस बात को, उस मुद्दे को लेकर बताऊं कि ये भारतवासी हैं, ये चाहे कुछ भी कह लें, हम इनको अपना भाई मानते हैं, ये माने ना माने, यही चीज है। ये जो 370 का अगर बोलोगे ना कि हमें वापस चाहिए, तो हर ये नहीं, हर कोई यही बोलेगा कि, और सबकी निगाहों से देखा कि क्या ये खुद को भारतीय नहीं मानते हैं? बस अगर आपको 370 चाहिए, 370 थोड़ी लेके उसे थोड़ी ये मतलब होता है कि ये इंडिया का स्पेशल के लिए चाहिए ना, फिर स्पेशल यूपी वाले सुनिए भी उठाओ, हमारे को जो सुविधा मिल रहा है वो तुम्हें मिले नहीं मिल रहा है ना। क्या बात करे, हमने तो कभी देखा नहीं, मगर हमने सुना था कि लाल चौक पे तो गोलियां चल जाती हैं लोगों के। कभी चली क्या भाई साहब? हमने तो देखा नहीं, पहले ही बोल दिया। फर्स्ट बॉय महीने के अंदर 20 दिन कर्फ्यू लगता था, महीने के अंदर 20 दिन, और आज कर्फ्यू है। लाल चौक की बात कर रहे हैं, लाल चौक तो कितना दूर है पामपुर से? 10 किलोमीटर दूर है। पहले तो तिरंगा भी नहीं देखा हमने कभी, तिरंगे की बात ही नहीं, वहाँ पे उसे विवाद होता था ना, अगर 370 तिरंगे से विवाद होता था, हाँ होता था वहाँ,
वो आते थे सेपरेशन वहाँ पे था थोड़ा उधर मतलब एक सेकंड बता दो, अभी तो विवाद नहीं हो रहा लेकिन तिरंगा लगा हुआ शान से वहाँ पे जब झंडा लेके कोई जाता था ना वो कुछ मतलब उसको कुछ इंटेंशन से अलग होते थे तो उसको पहले पुलिस उसको साइड में हटा लेती थी, लोकल कोई नहीं आता था कोई वही झंडा क्यों है। आप शुभ नाम क्या तो भाई इस चीज से आपको सुनिए सुनिए एक रुक जाए हाँ आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? आबिद। मेरा नाम जितेंद्र है। ठीक है, हमने बहुत गांधी जी की एक वो बाड़ी थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, आप मुझे भाई मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते हो। दिल से? दिल से। फिर काफिर क्यों कहते हो? छेड़ने की बात ही नहीं है, अभी मुझे दुख इस चीज का जवाब है। मेरे पास जवाब है। प्लीज मुझे ये जरूर बताओ, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। पता है क्या, कभी कहते हैं कि वो जो ईमान और इस्लाम को नहीं मानता काफिरों का सर कलम कर दिया जाए, काफिर मतलब हिंदू। किसने बोला? अरे भाई किसकी मैं कसकी आप जवाब क्या देंगे? मैं मुसलमान हूँ ना जी, आप हिंदू हो जी, आपकी नजर में मैं क्या हूँ? मेरे लिए मेरे प्रिय भाई हैं। अगर आदम आप आओ आदम और हव्वा को मानते हैं तो मैं मनु और शत्रुपा को मानता हूँ। भाई इंसानियत को लेकर सर, सर आप सरदार पाजी हो सर। हाँ एक आतंकवादी के लिए क्या हो रहा ये नहीं पता आपको? ये कह रहे हैं कि शराफत है लेकिन इस देश के अंदर कुछ मुसलमान ऐसे रहते हैं जो कि आतंकवाद को अपना दामाद समझते हैं। तो आज यहाँ की कई लड़कियां विधवा हो गई इसलिए रोड पे उतरी आया है वो आतंकवाद। जो कि आज एक युवा खड़ा हो गया ये इस बात को दोहरा रहा कि वहाँ तो झंडा नहीं लगता था, हमारा 10 किलोमीटर दूर है। आज कैसे वहाँ तिरंगा रैलियाँ निकलती है, क्यों तिरंगा यात्रा निकलती है? आज वहाँ का आवाम सारा खुश क्यों है? क्यों आज वहाँ ट्रेनें कैसे चल गई? आज वहाँ निवास क्यों बढ़ता जा रहा है? तो उस बात पे ध्यान नहीं, केवल आतंकवाद पे ध्यान है, उन बेकूफ पड़े की बातों पे ध्यान है। अरे डेवलपमेंट उसे मिली, ट्रेनिंग तब भी थी, आज भी उसे आम नागरिकों से कोई वास्ता नहीं, उन पे ध्यान दिया जाएगा। आज मुफ्ती मोहम्मद भी उस रैली में शरीक होती है। डेवलपमेंट गिनाई है कोई? अब बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट बताइए क्या? अब से पहले वहाँ ट्रेन चली, अब से पहले भारतीय तिरंगा वहाँ लहराया लाल चौक पे, अब से पहले 14 से पहले। अरे क्या बात कर रहे हैं ये सारे सारे झूठ बोल, दिखाओ दिखाओ क्या आप निकालो खुद ही। ये उस सदी के लोग हैं जिस सदी में इस भारत का प्रधानमंत्री तो दूर की बात गृह मंत्री भी ने भी कश्मीर में कदम रखा नहीं देखा, और आप बात कर रहे हैं उस चीज की जबकि पूरा पूरा कश्मीर पाकिस्तान आतंकवाद के इशारे पे नहीं हाथों में उछलता था चलता था। तो आज ये पूरी की पूरी सुरक्षा भारतीय लेने के बावजूद भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तड़वे आज भी पाकिस्तान के उन आतंकवाद का चाट रहे हैं कि बात इनके नहीं, इनके संविधान की नहीं, बात भारतीय की नहीं, बात है 57। उनको बोलने तो दो कम से कम। मैं आधार कार्ड दिखा दूं, मैं कहां कहूं? मैं ये कह रहा हूं बात 57 कंट्रीज से जुड़ी हुई। रुक जाइए, शांति कर लीजिए थोड़ा सा।